आजम खान को एक और तगड़ा झटका। योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम, जौहर ट्रस्ट से वापस ली जमीन। सीतापुर की जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। आजम खान को एक और तगड़ा झटका लग गया है। दरअसल योगी सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो जेल में बंद आजम खान की नींद उड़ा सकता है। बता दें कि योगी सरकार ने आजम खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लीज पर दी गई जमीन वापस लेने का फैसला कर लिया है। आजम पर नियमों का उल्लंघन कर जमीन हासिल करने का आरोप लगा है, जिसके बाद मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक के बाद जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई लीज पर जमीन को वापस लिया जाएगा। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। अब योगी कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है कि योगी सरकार जौहर ट्रस्ट से सरकारी जमीन वापस लेगी। ये फैसला कैबिनेट की बैठक में लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को ये अहम बैठक लखनऊ में हुई। इस बैठक में करीब एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें लिए गए एक फैसले ने सपा नेता आजम खान को तगड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि यूपी सरकार ने जौहर ट्रस्ट से कुछ सरकारी जमीन वापस ले ली है। आपको बता दें कि रामपुर में आजम खान का समाजवादी पार्टी कार्यालय दारुल अवाम और रामपुर पब्लिक स्कूल जिस जमीन पर संचालित है, वो जमीन मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की है, जिसे माध्यमिक शिक्षा विभाग ने आजम खान के जौहर ट्रस्ट ने सालाना किराए पर लिया था। इसका उद्देश्य जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण के लिए यहां कार्यालय स्थापित करने का बताया गया था। उधर रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने शिकायत की थी कि जिस बिल्डिंग को जौहर यूनिवर्सिटी का कार्यालय संचालित करने के लिए लीज पर आजम खान ने लिया था, उसमें आजम खान ने नियम शर्तों का उल्लंघन करते हुए उसमें अपना समाजवादी पार्टी का कार्यालय बना रखा है और एक हिस्से में उन्होंने अपना रामपुर पब्लिक स्कूल संचालित कर लिया है, जो लीज की शर्तों का खुला उल्लंघन है। इस शिकायत की जांच रामपुर जिला प्रशासन ने कराई तो आरोप सही पाए गए, जिसकी रिपोर्ट जिला अधिकारी रामपुर ने मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर के माध्यम से यूपी सरकार को भेज दी, जिस पर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। योगी सरकार द्वारा आजम खान के जौहर ट्रस्ट की इस लीज को रद्द करने से आजम खान का सपा कार्यालय और रामपुर पब्लिक स्कूल बंद हो सकते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल आजम खान और उनका पूरा परिवार दो प्रमाण पत्र मामले में जेल में बंद हैं। बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में पत्नी और बेटे संग 7 साल की सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान का पूरा परिवार सलाखों के पीछे है, जिसके बाद अब एक और झटके ने आजम की टेंशन बढ़ाने वाला काम कर दिया है।